जो निर्णय लेंगे आपका भाई उसमें साथ रहेगा। 7000 से ऊपर लोग जुड़ गए हैं। कल आप भारी से भारी संख्या में जो भी निर्णय आपका होगा, जो भी निर्णय आप कहेंगे, मैं वहां उपस्थित हो जाऊंगा। ये तो थी इस प्रकरण पे बात जो मैंने रखा आपके समक्ष बीकानेर का। एक मैसेज और बीकानेर प्रकरण में मैं देना चाहता हूं। देखो आज ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई, मैं खुलकर बोलने वाला इंसान हूं। इन लोगों को घर में एंट्री मत दो, ना व्यापार में दो, ना घर में दो। अगर इनको एंट्री मिलती रही, इनको इस तरीके से भाईचारा बनाए रखा, तो ये भाई बनकर दगा कर जाएंगे। अगर इनका प्रवेश तुम्हारे चाहे व्यापार में रहा, तुम्हारे घर में रहा, तुम्हारे मोहल्लों में रहा, तो ये बड़े दगाबाज हैं। और जो इन्होंने देखिए कितनी गर्दन झुकती होगी। मैं कभी पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, किसी पॉलिटिकल आदमी की बात नहीं करता। मैं जैसा हूं, जैसा भी हूं, आप सभी के लिए हूं। इनको एंट्री मत दो भाइयों, आगे से कोई मनीषा ना जाए, आगे से हमारा सर शर्मसार ना हो, आगे से कोई ऐसी घटना ना हो। उसके लिए हमें परिवर्तन लाना है। इनकी एंट्री, इनका बायकॉट करो। तरह तरह के फोन आ रहे हैं, तरह तरह की बातें बोली जा रही हैं हमें। बस हमें यही करना है कि इनका बायकॉट करना, ये किसी के नहीं हुए। ये बात अपने मन में बिठाएं और दूसरों को बताएं, ताकि ऐसी घटनाएं ना घटित हों। बीकानेर के विषय में फिर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि भाई कल के लिए आपके भाई आपसे क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि मेरा चोट भी है और मैं कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी ना होने के कारण कल उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। उसके बाद जब आप कहेंगे मैं आऊंगा, विश्वास रखिए। मुझे तो 6 महीने के लिए राजस्थान ने प्रशासन से अलग कर दिया था। 6 महीने तुम्हारी एंट्री नहीं है। 6 महीने मैंने इंतजार किया, फिर मैं आया, फिर मैं जाता हूं। आज 1000 किलोमीटर दूर बैठा हूं, बस इतना आप समझेंगे, यही मेरी आपसे उम्मीद है। अब कर्नाटका में जो यूथ ब्रिगेड संभाल रहे हैं हमारे भाई, जो तारानगर राजस्थान के रहने वाले हैं, प्रकाश भाई जो कर्नाटका में पदभार है इनके पास यूथ ब्रिगेड का, वो 2 शब्द आपसे कहना चाहेंगे। प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस टाइम 11,000 साथी देख रहे हैं आपको। पहले अपना परिचय दे दें, आप राजस्थान में किस जगह से हैं। जय श्री राम। मैं राजस्थान में तारानगर जिला चूरू का रहने वाला हूँ। काफी सालों से बेंगलोर में रहता हूँ, यहाँ यूथ ब्रिगेड का काम देख रहा हूँ भाई साहब के अनुसरण में। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बीकानेर के शेर है वो कहाँ सो रहे हैं, बीकानेर के जो शेर है वो कहाँ सो रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है, ये अन्याय आप कब तक सहन करोगे। बोलो बोलो। माँ करनी की इस पवित्र धरती पर ये क्या हो रहा है, जब तक आप नहीं जागोगे, जब तक आपके खुद के साथ ये नहीं हो जाए, समाज की जातियों की बातें सब छोड़ दो, हम हिंदू परिवार के साथ गलत हुआ है, सब लोग एक हो जाओ। कल हिंदू महापंचायत के अंदर बीकानेर की हर सड़क हर रोड जाम होनी चाहिए। प्रशासन को भी पता लगना चाहिए। बस यही मैं विनती करना चाहता हूं, अगर आप अभी भी नहीं संभले तो आगे जाके हर घर में ये सब देखने को मिलेगा। जब तक आप इन लोगों की नकेल नहीं कसेंगे, तब तक ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, बीकानेर के शेरों से निवेदन है, रोड पे आ जाओ। और जो कुछ लोग बोलते हैं हनुमान जी बेनीवाल क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियां करना बंद कर दो। हनुमान जी बेनीवाल अपना जो काम कर रहे हैं वो अपना कर रहे हैं, सभी संगठन इसमें लगे हुए हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो ये सब एक जो टिप्पणियां करते हैं सब करना बंद कर दो मेरे भाइयों। सबसे पहले आप हिंदू हो, हिंदू होने के नाते अपनी जवाबदारी संभालते हुए इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, यही मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। भाई साहब वहीं के निवासी है, राजस्थान के, उन्होंने अपनी बात रखी। देखिए मैं कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पर्सन, क्योंकि मेरी नजर में तो सब हिंदू हैं। भाई साहब ने भी वही बात कही, हमें अपने धर्म को ग्रहण करना है और उसको आगे ले जाना है। ऐसी घटनाएं होती हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि टिप्पणी करने के बजाय हम एकजुट रहें।
एकजुट होकर। देखिए कुछ लोग कह रहे थे कि वो तो लड़की बालिग थी, वो तो अपनी मर्जी से गई है। देखिए एक वीडियो वायरल हुआ उस लड़की के दादा का, उस लड़की के पिताजी का, तब जाकर हमने ये डिसीजन लिया कि भाई कम से कम वहां सभी लोग इकट्ठे हों और बात को समझे कि क्या बात है। और ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई क्राइम नहीं है, ये हमारा अधिकार है इस बात को कि कम से कम पता तो चले कहानी क्या थी। लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आगे से इन लोगों की एंट्री जिनके यहां हो, भाई सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन हम दुनिया देखते हैं इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये अपनों के ही नहीं हुए तो अपने हमारे तो क्या होंगे, ये किसी के नहीं हुए मेरे भाई। मैं कल के लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूं इस बात की कि आप सभी में एकता आई, कोई भी हो किसी भी कम्युनिटी, उसके लिए धन्यवाद है आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। और अपनी उस बात को आप पुरजोर तरीके से रखें, जो भी रखनी है पुरजोर तरीके से। कल का मुझे समय चाहिए, बस कल का, मैं जो भी रणनीति होगी आपके पास में उपस्थित हो जाऊंगा। आज मेरी मजबूरी है, मैंने आपको बताई, और जबकि कल पूरी टीम वहां उपस्थित रहेगी। टीम का मतलब ये नहीं है कि 10-20-50 लोग, जितने भी आप सभी हैं सभी आप मेरे अपने हैं, और मैं भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ भाइयों के माध्यम से आपके साथ वार्तालाप में रहूंगा। और बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जो भी निर्णय लेंगे आपका भाई उपदेश राणा आपके साथ है, जो भी निर्णय लेंगे सर्व समाज जो भी निर्णय लेगा आपका भाई वहीं खड़ा होकर आपके साथ रहेगा। कल का मुझे समय दें और बहुत सारा प्यार सभी को, बहुत सारा धन्यवाद।